इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने के साथ ही Redmi ने अपने स्मार्टफोन्स में काफी सारे बड़े चेंजेस लाए हैं। Redmi Note 7 पहला Redmi फोन है जिसमें हमें 48 मेगापिक्सल कैमरा, USB टाइप सी पोर्ट और ग्लास बैक जैसे बड़े चेंजेस देखने को मिले हो। Redmi Note 7 के साथ ही Redmi ने लॉन्च पे अनाउंस किया था कि वे Redmi Note 7 के प्रो मॉडल को भी जल्द ही लॉन्च करेंगे और अब Redmi Note 7 प्रो के कुछ लीक्स और रूमर्स निकलकर सामने आने लगे हैं। तो चलिए देखते हैं Redmi Note 7 प्रो में हमें क्या कुछ नया और बेहतर देखने को मिलेगा। तो Xiaomi Redmi ने कंफर्म किया था कि Redmi Note 7 Pro में हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा तो मिलेगा, लेकिन वो कैमरा Sony का IMX586 कैमरा होगा। Sony का ये IMX586 कैमरा Redmi Note 7 के Samsung कैमरा के सेंसर से ज्यादा अच्छा होने वाला है और इस Sony के कैमरा सेंसर की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी होगी। बात करें दूसरे चेंजेस की तो Redmi Note 7 Pro में हमें Snapdragon 675 देखने को भी मिल सकता है। Snapdragon 675 काफी न्यू और काफी अच्छा प्रोसेसर है जो प्रोसेसिंग के मामले में Snapdragon के लेटेस्ट Snapdragon 710 को भी पीछे छोड़ देता है। यानी Redmi Note 7 Pro में हमें अपग्रेडेड कैमरा, प्रोसेसर और ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ USB टाइप सी पोर्ट और बड़ी बैटरी एटसेट्रा देखने को मिलेगी। मेरी ओपिनियन में Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro इस सेगमेंट के किंग फिर से एक बार बनने वाले हैं, क्योंकि Xiaomi ने इस बार Redmi सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गई है और Redmi Note 7 सीरीज की प्राइसिंग भी काफी सही रखी है। बात करें प्राइसिंग की तो Redmi Note 7 Pro की प्राइसिंग 14,000 से 17,000 तक हो सकती है। तो आपकी क्या राय है Redmi Note 7 Pro पे, कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।